बनाते हैं कुछ अपने प्यारे बच्चों के लिए, कुछ उनके मनपसंद का। बच्चों की हमेशा डिमांड रहती है कुछ नया खाने की, कुछ बाहर का खाने की, और चिकन नगेट्स उन्हें बहुत पसंद आते हैं। तो क्यों ना चिकन नगेट्स को आज घर में बना करके देखें। इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है और इसे बनाना बहुत आसान है और ये उतनी ही ज्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए आज हम बच्चों का फेवरेट चिकन नगेट्स घर में बनाते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मल्टिन माउथ, आपका स्वागत है। चिकन नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 से 4 व्हाइट ब्रेड को ग्राइंडर में डाल करके इसका क्रम्स बनाएंगे। आप चाहें तो रेडीमेड ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। देखिए हमारा ब्रेड क्रम बन गया, इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब इसी जार में हम चिकन के बोनलेस चिकन के पीसेस डालेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर डाल के इसे हम रफली ग्राइंड करेंगे। थोड़े से चंक्स रहने चाहिए चिकन पीसेस के। ये हमारा चिकन देखिए ग्राइंड हो गया। ये थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ में लें और इसको डो जैसा स्मूथ बनाएं। इसको बटर शीट पे डालें और थोड़ा सा हम इसे फ्लैट बेलेंगे। थिकनेस सब तरफ एक जैसी रखेंगे। देखिए मैंने इसकी मोटाई लगभग 4 mm की रखी है। नाइफ पे हल्का सा ऑयल लगाइए। नगेट्स के लिए हम रेक्टेंगल शेप में पीस काटते हैं। मैंने इस तरह से सारे पीसेस को कट करके एक जगह रख लिया। अब ये जो साइड्स बचे हमारे, इससे मैं चिकन फिंगर बनाऊंगी। चिकन के सेम मटेरियल को हमने रेक्टेंगल शेप में काट लिया तो वो हमारे चिकन नगेट्स हो गए, और अगर हम इसे ऐसे लंबे पतले पतले शेप में कर देंगे तो ये हमारे चिकन फिंगर्स हो जाएंगे। मतलब एक ही मटेरियल से हम 2 तरीके की चीजें बना सकते हैं। चिकन नगेट्स और चिकन फिंगर्स के जब सारे शेप बन जाएं, तब हम एक एग लेंगे, इसे अच्छे से फेंट लें। यहाँ मैंने एक प्लेट में ये थोड़ा सा मैदा लिया है, एक बोल में बीट किया हुआ एग रखा है और एक बोल में ब्रेड क्रम्स रखे हैं। अब हम अपने चिकन नगेट के हर एक पीस को उठाएंगे। पहले इसे मैदे से कोट करें, फिर इसे एग में डिप करें, फिर आप इसे फाइनली ब्रेड क्रम्ब में डालें। ऐसा करके नगेट्स के सारे पीसेस एक जगह रखें। ऐसे ही हम अपने चिकन फिंगर्स को भी पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर एग में और फिर ब्रेड क्रम्ब में। चिकन नगेट्स को फ्राई करने के लिए हमने एक फ्लैट पैन में ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसमें एक एक करके सारे पीसेस डालें। स्लो फ्लेम पर इसे हल्का ब्राउन होने दें। ये हमारे चिकन नगेट्स
दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इन्हें अच्छा लाइट ब्राउन करने के लिए हम अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे मीडियम पे। हमारे नगेट्स दोनों साइड से अच्छे लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो हमारे चिकन नगेट्स कैसे बने हैं। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी चिकन नगेट्स की? कितना आसान था ना इसे बनाना, झट से बन जाती है। इसे खा करके देखते हैं। It's very nice. एकदम mild taste है, ना नमक ज़्यादा, ना pepper ज़्यादा, एकदम perfect. बच्चों के लिए एकदम perfect. इसे ज़रूर घर पे बनाइए, बच्चों को पसंद आएगी। मम्मियाँ इसलिए खुश हो जाएंगी कि बच्चे घर का खा रहे हैं, और बच्चे इसलिए खुश हो जाएंगे क्योंकि चिकन नगेट्स बन रहा है। नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।